आखिर कौन से बड़े सेलिब्रिटी हैं जो शिव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और वही नहीं बल्कि भाई जिस तरीके का समर्थन इन्होंने शिव को दिया है और जो बातें इन्होंने शिव ठाकरे के बारे में बोली हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यार शिव जो है वो सच में उस तरीके के बंदे हैं। और जो चीज़ मतलब जिस तरीके से इन्होंने बोला कि भाई बहुत हम्बल हैं और पोलाइट हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि शिव जो है वो सच में ऐसे हैं। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने और क्या क्या बातें बोली हैं शिव के बारे में, और ये जो है मतलब शिव को कैसे जानते हैं, कब मिले हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा नाम जानने के लिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। अगर बात की जाए शिव ठाकरे की, तो यार अब सब जानते हैं कितने पॉपुलर हैं इस समय और कितनी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है। अगर देखा जाए लमसम लमसम में भाई हर कोई शिव ठाकरे को इस समय पसंद कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखना चाह रहा है। लेकिन आपको बता दूँ कि इस समय शिव जो है वो खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। देखो ओवरऑल अगर देखा जाए रूमर रूमर में भी रूमर्स में भी सबके मतलब सबके ओवरऑल देखा जाए तो भाई जो भी एलिमिनेशन वगैरह के रिजल्ट आए वो रूमर्स में वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिली विद अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन अभी तक शिव ठाकरे के एलिमिनेशन या इन सारी चीज़ों पर कोई रूमर हमको नहीं सुनने को मिला, और ऐसा लग रहा है और ट्विटर पे भी यही सारी चीज़ें बोली जा रही है कि अगर खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 कोई जीतेगा तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ शिव ठाकरे हो। अब इंतज़ार है कि यार सच में अगर शिव खतरों के खिलाड़ी जीत रहे तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा स्टेपिंग स्टोन होगा उनके जर्नी में ऊपर जाने के लिए। आपको बता दूं कि शिव जो है वो खतरों के खिलाड़ी करने के चक्कर में भाई उनसे 2 फिल्में छूट गई हैं। वो एक्चुअली उनका ये था कि मैं ये फिल्में भी करना चाहता हूँ ये भी करना चाहता हूँ, लेकिन बाद में शिव ने एक कन्फर्मेशन भी दिया कि मैंने खतरों के खिलाड़ी को पहले कमिटमेंट दे दिया था इसलिए मैंने उन दोनों फिल्मों को मना किया। दोनों ही मराठी फिल्में थी और हाई बजट की फिल्में थी, अच्छी खासी फिल्में थी जो उनको छोड़नी पड़ी। और आपको बता दूं कि यार शिव को जो है हर कोई दीवाना है, हर कोई उनका समर्थन कर रहा है, हर कोई उनका सपोर्ट कर रहा है। अभी हाल ही में पॉपुलर एक्टर राहुल सुधीर जो है उन्होंने शिव को लेकर ये बात कही है। वो कहते हैं कि देखो मेरा शिव से बस इतना ही कहना है कि भाई तू शिव बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है। मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे हो वैसे ही रहना, जैसे आप थे एकदम ग्राउंडेड और हम्बल जब मैं आपसे मिला था। और बता दो आपको कि राहुल सुधीर जो बीच में शिव से मिले भी थे तो उसके बाद जो राहुल को लगा वो उन्होंने बात बोली शिव के लिए, और ऐसा लग रहा है कि भाई खतरों के खिलाड़ी में वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समर्थन जो है वो शिव ठाकरे का कर रहे हैं। और इस समय तो देखा जाए तो यार ओवरऑल बहुत बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो बहुत सारे टीवी एक्टर सेलिब्रिटीज जो हैं वो शिव का समर्थन कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी में। और इवन सौंदस ने जो गाली गलौज की है वो मतलब एक एफ वर्ड सिर्फ यूज़ किया था, गाली गलौज नहीं कह सकते, उसके बाद तो और भी ज़्यादा शिव को लोग पसंद कर रहे हैं और भी ज़्यादा शिव ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बन रही हमारे साथ यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।